खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षदा जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम पलसूद। पलसूद नगर में निकाली गई शांति मार्च यात्रा। थाना प्रभारी अनिल वर्मा एवं नायाब तहसीलदार वंदना चौहान के नेतृत्व में नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रशासन व शांति समिति के सम्मिलित प्रयास जारी हैं। इसी के अंतर्गत अयोध्या प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आगामी फैसले के दौरान नगर की शांति व्यवस्था बनी रहे, इसी के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने नागरिकों के साथ सद्भावना यात्रा निकाली, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए उसे सहर्ष स्वीकार करने को लेकर नारे लगाते हुए बड़ी संख्या में नागरिक व छात्र छात्राओं ने सहभागिता की। साथ ही यात्रा के समापन के बाद सभी लोगों को शांति बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। यात्रा दोपहर 2:30 बजे स्थानीय शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर से प्रारंभ होकर मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में पहुंची, जहां यात्रा का समापन हुआ। यात्रा में मुस्लिम सुन्नत जमात के पदाधिकारी, हिंदू धर्मावलंबी, मुस्लिम समाजजन, सिख समाजजन, ईसाई समाजजन आदि सभी धर्मावलंबी व नागरिक उपस्थित हुए। नगर में शांति सद्भावना रैली निकाली गई, आप क्या कहना चाहेंगे महोदय? निकट भविष्य में अयोध्या मामले को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने वाला है, उसी फैसले को दृष्टिगत रखते हुए किसी प्रकार की शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न न हो, सभी संप्रदाय के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी समाज के लोगों को साथ में लेकर के आज एक सद्भावना शांति मार्च पलसूद नगर के प्रमुख मार्गों से निकाला गया और जिसका समापन शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में किया गया और भारत की एकता अखंडता और संविधान और कानून का पालन करने की सभी लोगों को शपथ दिलाई गई। खबर समय जगत के लिए पलसूद से राजेश कनौजी के साथ ब्यूरो चीफ जाहरिया डुडबे की रिपोर्ट। पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज़।